यह घटना जम्मू और कश्मीर के कुपवारा सेक्टर की है। वहां बड़ी ही कड़ाके की ठंड थी, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। मेजर रंजीत सिंह अपने साथ 15 जावाज सिपाहियों को लेकर वहां 3 महीने की तैनाती के लिए पहुंच गए थे। मेजर ने कहा, मेरे साथियों, यहां हमें दुश्मनों के साथ साथ इस भीषण ठंड की भी सामना करना है, क्या आप सभी तैयार हैं? सभी सिपाहियों ने अपने हाथ उठा दिए। एक सोल्जर ने कहा, यस सर, हम सब तैयार हैं। फिर मेजर ने कहा, हमें हर पल चौकन्ना रहना है। फिर सोल्जर ने कहा, यस सर। वे जानते थे कि वहां पर पहले से ही तैनात टीम के सिपाही इस टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेजर ने अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। ठंड बढ़ती ही जा रही थी, बर्फीली हवाएं तेज हो रही थी। मेजर ने कहा, हमें इस हालत में एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। एक सोल्जर ने कहा, हाँ सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं देखता हूँ। दूसरा सोल्जर ने कहा, सर, सामने देखिए, एक घर दिखाई दे रहा है, शायद छोटा सा होटल है, क्या हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं? मेजर ने कहा, आओ, ऑफ कोर्स, चलो वहां चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम चाय का इंतजाम तो हो ही जाएगा। फिर एक सोल्जर कहता है, मेरा दिल कर रहा है कि वहां चाय जरूर मिलेगी। फिर दूसरा सोल्जर ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, नहीं नहीं, 2 कप चाय। सबके चेहरे खिल गए, उनके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगे। पास जाकर उन्होंने देखा, वो एक चाय का छोटा सा होटल था, लेकिन दरवाजा बंद था और बड़ा सा ताला लटक रहा था। एक सोल्जर कहता है, ओ नो, काश ये ताला ना होता, इसने हमें मायूस कर दिया। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा, होटल के अंदर चाय बनाने का सारा सामान नजर आ रहा है, आसपास कुछ बर्तन और ग्लास भी रखे हुए हैं। फिर दूसरा सोल्जर कहता है, सर, 2-3 घंटे बीत चुके हैं, भयानक ठंड है, चाय नहीं मिली तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा, क्या हम इस ताला को तोड़कर अपनी चाय खुद ही बना ले? फिर मेजर ने कहा, नहीं, ये उचित नहीं होगा, हम देश के रक्षक हैं। पहला सोल्जर ने कहा, सर, हम इसकी उचित कीमत अदा कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके मालिक को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। फिर दूसरा सोल्जर ने कहा, सर, ठंड बढ़ती ही जा रही है, हम सभी को चाय की आवश्यकता है। फिर मेजर ने कहा, ठीक है, ताला तोड़ दो और चाय बना लो। एक सैनिक ने ताला को खींचा तो वो अपने आप खुल गया। सोल्जर ने कहा, इस ताले को भी हमसे हमदर्दी हो गई है, कितने प्यार से खुल गया, देखो। दरवाजा खुला, सैनिक अंदर चले गए, चाय बनने लगी, सभी बेताब होकर बैठ रहे थे। वाह, सचमुच मजा ही आ गया, इस चाय को हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर पहला सोल्जर कहता है, राइट सर, सचमुच बड़ा मजा आ गया। फिर मेजर ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। फिर सोल्जर कहता है, यस सर, क्या हम वापसी में फिर यहाँ आएंगे? फिर मेजर कहता है, जरूर आएंगे ही आएंगे। मेजर ने अपना वॉलेट खोला और उसमें से 1,000 रुपए के नोट निकालकर शक्कर के डिब्बे के नीचे रख दिया। इस तरह से उनका अपराध बोध भी समाप्त हो गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और वही ताला लटका दिया। 3 महीने बीत गए और उनकी पूरी टीम के वापसी का समय आ गया। अब दूसरी टीम उनका स्थान ले रही थी। वे सभी लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर उसी छोटे से चाय के होटल पर पड़ी और उनके कदम रुक गए। मेजर ने कहा, अरे वाह, ये होटल तो खुला हुआ है, चलो नाश्ता करेंगे और चाय की चुस्की भी लेंगे। फिर सोल्जर ने कहा, हाँ सर, हम तो पहले ही तैयार हैं। मेजर ने देखा
एक वृद्ध व्यक्ति होटल के काउंटर पर बैठे हुए थे। शायद उस होटल के मालिक ही थे। मेजर ने कहा, हेलो अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? फिर होटल का मालिक ने कहा, जी साहब, नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेजर ने कहा, फर्स्ट क्लास, हम अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ लौट रहे थे, सोचा आपकी चाय पीते जाएं। फिर मालिक ने कहा, हाँ, जरूर, नाश्ता कीजिएगा, जो चाहिए खाइए, चाय पीजिए, आपका ही होटल है, मुन्ना साहब लोग जो कहे खिलाओ, अदरक वाली बढ़िया चाय पिलाओ। मेजर ने कहा, अंकल आपका होटल कैसा चल रहा है? इस निर्जन प्रदेश में क्या आपकी अच्छी कमाई होती है? फिर मालिक कहता है, सब कुछ ईश्वर की कृपा है, उन्होंने चोंच दी है, वही चारा भी देंगे। एक सोल्जर कहता है, यदि ईश्वर है तो कष्ट, परेशानियां और गरीबी क्यों है? मालिक कहता है, नहीं ऐसे मत कहिए, ईश्वर है और मैं इसे प्रमाणित भी कर सकता हूँ। ईश्वर के प्रति आपकी बड़ी आस्था है। ईश्वर ही सत्य है, वे ही सर्वत्र हैं, वही सबकी मददगार भी हैं, पालनहार हैं, उनकी बड़ी कृपा है। अंकल आपका मानना है कि ईश्वर हैं? हाँ साहब, ईश्वर है, बिल्कुल है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। कुछ महीनों पहले की बात है, मुझ पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। मेरे घर में मेरा बेटा अकेला था, कुछ आतंकवादी आ गए और उन्होंने उससे कुछ जानकारी मांगी जो उसके पास नहीं थी। उन आतंकवादियों ने मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा। मैं जैसे ही घर पर आया, तुरंत अपने बेटे को लोगों की मदद से अस्पताल लेकर गया और भर्ती करवाया। मुझे दवाई खरीदनी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं रुपयों का इंतजाम करने के लिए वापस आया, किसी ने भी आतंकवादियों के डर से मेरी मदद नहीं की। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने होटल में गया, वहाँ खुला हुआ ताला लटका हुआ था। मैंने सोचा मेरे होटल में चोरी हो गई है। मुझे दुख हुआ और मैं अंदर चला गया। मुझे शक्कर के डिब्बे के नीचे 1000 रुपए के कुछ नोट दिखाई पड़े। ये उसी ईश्वर की असीम कृपा है। मैंने सारे रुपये उठाए और अस्पताल की तरफ भागा। मेरे बेटे का अच्छी तरह से इलाज हुआ और ईश्वर की कृपा से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। 15 सैनिकों की आंखें मेजर की आंखों को देख रही थी, लेकिन चुप रहने का इशारा देखकर सभी खामोश रह गए। मेजर ने बूढ़े बाबा को गले से लगा लिया। मेजर ने कहा, हाँ अंकल, मुझे पूरा विश्वास है, ये वाकई ईश्वर का ही चमत्कार था। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में ईश्वर हैं। हाँ एक बात और, आपकी चाय बहुत बहुत अच्छी थी। मेजर ने चाय और नाश्ते का बिल अदा किया और होटल से बाहर आ गए। रास्ते में चलते हुए सभी सैनिक अपने अधिकारी की आंखों की नमी को देखकर उनके विश्वास और भावना को भांप गए थे। सच्चाई और सद्भावना की रास्ते पर चलकर हम किसी के लिए भी ईश्वर के दूत बन सकते हैं। आज हर किसी को ईश्वर की दूत की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा कर सके तो सभी के मन में ये विश्वास अड़िग हो जाएगा कि हाँ साहब, ईश्वर है।